भारत से बढ़कर के धनवान कोई दूसरा देश था नहीं। यहाँ की मुद्रा की इतनी मजबूती थी, इतना धन था हमारे देश के पास। मुसलमानों ने जो इकट्ठा किया वो यहीं ले गए, यहीं लगा गए, वो कुछ नहीं ले जा पाए। कोई मस्जिदें बना दी, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस देश को लूटा। अंग्रेजों ने पूरी संपत्ति अपने देश में पहुंचा दी। 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भारत में फैल गया था। 1858 में, 1947 में हम भारतीयों के पूर्वजों ने उनकी सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया, जिसमें बड़े बड़े आंदोलन किए गए। 1950 में भारत गणराज्य बना। अब ये आंकड़े थोड़े सुने, 1951 में भारत की जनसंख्या सिर्फ 36 करोड़ 10 लाख थी। 50 में गणराज्य बना, 51 में गिनती की गई 1951 में, तो आंकड़ा यहां की संख्या का 36 करोड़ 10 लाख ही था। इतने ही लोग थे भारत में, 36 करोड़ 10 लाख में सब थे, सब धर्म के लोग थे। लेकिन 2011 की जनगणना में ये 100 करोड़ से ज्यादा हो गई थी जनसंख्या। 1951 में 36 करोड़, 2011 में 100 करोड़ से ज्यादा ये संख्या हो गई। 2016 की जनगणना में वही संख्या 125 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 100 करोड़ 27 लाख की संख्या, यानी 125 करोड़ से ज्यादा ये संख्या 2016 में हुई। देश की आजादी के समय पर प्रति व्यक्ति की आय 64 रुपया महीने की थी। बस जिस समय देश आजाद हुआ था 1951 के आंकड़े में, यहां के व्यक्ति की आय सिर्फ 64 रुपीज एक महीने की। लेकिन अब वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था ने इतनी तरक्की की है, इतनी बड़ी है, इस समय भारत प्रति व्यक्ति की आय उसकी महीने की 1498 रुपए का आंकड़ा है। तो 64 से 1498 बहुत ग्रोथ पकड़ी है। हर व्यक्ति पूरा 125 करोड़ का कैलकुलेट करके, आंकड़े अर्थशास्त्री बहुत यहां बैठे हुए हैं, जो कि ये देश की बहुत अच्छी पोजीशन है। नहीं तो हम भी छोटे छोटे थे तब ये कहा जाता था कि भारत के ऊपर इतना कर्जा है कि पूरी नदियों को बेच दे, पहाड़ पर्वतों को बेच दे तो भी कर्जे का निपटारा नहीं होगा। लेकिन देश ने ये ग्रोथ पकड़ी है।